श्रीनगर कहते हैं क्योंकि यहां पर एजुकेशन हब भी है और बहुत से सवाल भी हैं युवाओं के पहला अनुभव तो मैं आपका जानना चाहूंगा जब आप श्रीनगर में प्रवेश किया तो कैसा अनुभव बहुत बार आया हूं यहां पे श्रीनगर में लेकिन ना हर बार जब श्रीनगर की सड़क से गुजरता हूं या श्रीनगर आता हूं तो एक अलग एहसास होता है तो आज मेरे को याद आ रहा है यह होगी 1990 की बात एक लड़का जो देहरादून में पढ़ाई करता था तो वो हमेशा इच्छा रखता था कि जो देहरादून में कॉलेजेस होते थे उन सबका जो मेन जो यूनिवर्सिटी थी वो होती थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में तो वो लड़का जब इंडियन आर्मी में एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट हो गया तो उसके पिताजी उसको एक बार लेकर के गए कि आज हम तेरी माँ के गांव जाते हैं तो हमारी मदर का गांव है पौड़ी में न बिलखेत के ऊपर चढ़ के तो वो जब मेरे को लेकर के गए तो यहाँ पे एक एसएसबी की बटालियन है और उस एसएसबी की बटालियन में उस लड़के को जो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ था एक रात रुकने का मौका मिला था क्योंकि उसके ताऊजी उस टाइम पर यहाँ पलटन कमांड कर रहे थे वो दिन जो कैडेट अजय कोठियाल ने श्रीनगर में देखा था और उसके बाद जितनी बार यहाँ पे आया हर बार एक नए तरीके का हौसला एक नए तरीके का जज्बा यहाँ के जो आ, असली जो रीढ़ की हड्डी है यूथ श्रीनगर में एजुकेशन हब यहाँ पे जो एक यूथ फाउंडेशन का कैम्प चलता है वहाँ पे आकर के जो मेरे को मिला मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही एक एहसास आज कर रहा था जब हम श्रीनगर में एंटर हुए, मंदिर में गए उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ से जो एक रैली शुरू हुई कई बार होता है कि रैली को हमें तरतीब से चलना चाहिए ताकि ट्रैफिक वगैरह में डिस्टरबेंस ना हो लेकिन कई बार ये भी होता है क्योंकि हमारे अंदर जोश है हमारे अंदर हौसला है जज्बा है सब मिलकर के जब दिखाते हैं एक एक्टिविटी को तो उससे क्या होता है टीम के हर मेंबर में, में जोश भी पैदा होता है आम आदमी पार्टी जो एक काफ़ी समय मतलब इस साल से एक अच्छी शुरुआत करके उत्तराखंड में पॉलिटिकल फील्ड में एंटर कर रही है इस मकसद से कि आज से 20 या 21 साल पहले जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और बहुत सारी उम्मीदें थी हम सबको वो उम्मीदें ना कहीं लगता है कि पूरी नहीं हो पाई तो उत्तराखंड नव निर्माण उस नव निर्माण की जो जो थीम बना रखी है उसके पीछे जो सोच है वो समझने के लिए आम आदमी पार्टी ने डिसाइड करा कि वो जा कर के युवाओं के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगी संवाद करेगी और जब युवा कोई सवाल पूछते हैं तो उनके अंदर पक्का कहीं ना कहीं सोच होती है अपने भविष्य को देख करके अपने ये जो राज्य है इसके भविष्य को देख के हमारे माता पिताओं की तरफ़ देख करके पर्यावरण की तरफ़ देख करके तो वैसा ही एक इंट्रैक्शन करने आज एक आम आदमी का अजय कोटियाल युवाओं के सामने बैठा हुआ है और जिस जोश और सोच के साथ में यहाँ पे मैं आया था मेरे को पक्का यकीन है कि आप लोग जब सवाल करोगे तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाऊँगा उसको अपने एजेंडा में आम आदमी पार्टी डालेगी जो मुद्दा होगा 2022 में इलेक्शन लड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर और आपकी आज्ञा के साथ मैं सवालों का जो दौर है वो शुरू कर देता हूँ और बहुत से सवाल रजिस्ट्रेशन डेस्क के जरिए हमारे पास पहुँचे हैं एक एक करके हम वो सवाल ले लेते हैं पहला सवाल जो है वो आपसे ज्योति जी ने पूछा है ज्योति जी अगर हमारे यहाँ गुड आफ्टरनून सर मेरा क्वेश्चन यही है कि आए दिन वीडियोस वायरल होती रहती है और जैसा कि अल्मोरा में जागेश्वर धाम में भाजपा के आ, क्या बोलते हैं विदा, एक विधायक ने आ, पुरोहितों के साथ बहुत ही बदसलूकी की और आप शब्द प्रयोग करे हैं तो इस पे आपके क्या विचार हैं और मेरा ये भी है ये भी क्वेश्चन है कि जो देवस्थानम बोर्ड आजकल जो चल रहा है उसमें आपके क्या विचार हैं थैंक यू सर देखो उत्तराखंड को तो आ, मतलब उत्तराखंड की खासियत क्या है अगर हिमालय जो सबसे पावन पहाड़ माने जाते हैं जहाँ पे आने के बाद में इंसान के अंदर जो दुष्विचार होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी जो परेशानियाँ हो जाती हैं इस देवस्थान में आकर के वो ना सब ठीक होनी शुरू हो जाती हैं देवी देवताओं का यहाँ पे निवास है हमारे अपने अपने कुल की देवियाँ होती हैं थात होती हैं अपनी हम मतलब कहीं ना कहीं हम जो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं उत्तराखंड के लोग लेकिन उस जो हमारी ताकत है उसके साथ में एक बहुत बड़ा जो आ, एक जो आस्पेक्ट जुड़ता है वो है हमारा देव देव, देव देवी देवताओं की तरफ एक दिल से रुझान अब जागेश्वर महादेव है वहाँ पर कभी कोई इंसान जाता है दूर दूर से आते हैं तो पता है दुआएं लेने के लिए आते हैं वो कि ऐसा नहीं कि भगवान मेरा घर भर दे पैसों से वो तो कहते हैं मेरा परिवार ठीक रहे मेरे बच्चे अच्छे बने यहाँ पे जो आपदाएं आती हैं वो ना आए उस इलाके में अगर कोई मेरे ख्याल से एम था कि एम था एम था बल्कि एम तो एक हो गया एम हो गया जिसके एरिया में कम से कम छः सात एम हो गए उस जागेश्वर महादेव के बावन स्थान पर एमपी साहब जाते हैं अब ये तो इत्तेफाक है कि आ, उनके पास साथ पुलिस भी है इत्तेफाक है टाइम उनको पता होने के बावजूद वो उसमें लेट जा रहे हैं वहाँ जा कर के वो अपनी एक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं अब देवता के सामने तो अथॉरिटी नहीं हो सकती ना देवता के सामने जब अथॉरिटी नहीं है तो उस टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप थोड़ा दर्शन जल्दी कर लीजिए बस वहीं से वो भड़क गए भड़कने के बाद में उन्होंने फिर मतलब उस जगह पर पावन जगह पर ऐसा इशू बना दिया ऐसे शब्द बोलने शुरू कर दिए ये जानते हुए कि आजकल सबके पास में कैमरे होते हैं और सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर बदतमीजी ही नहीं थी उनके अंदर साफ दादागिरी थी कि जानते हुए कि रिकॉर्डिंग हो रही है और उन्होंने खुलेआम बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद वो ऐसा पीछे पड़ गए जिन लोगों ने रोकने की करी करी थी उनको कोशिश कि एक बार तो ऐसा हुआ कि लग रहा था कि जिस बेचारे आदमी ने रोकने की कोई कोशिश करी है कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के अपने एम को जागेश्वर महादेवी क्यों हम तो बड़े सिंपल से लोग हैं हमारे इलाके में ला कर के और ऐसा अगर एक मैसेज देती है तो मेरे को तो लगता है कि फिर आने वाले समय में तो कहीं हमारे अंदर ये चिंता ना आनी शुरू हो जाए कि अब तो ये पहाड़ भी सेफ़ नहीं है ये भी किस तरीके से तोड़े जा सकते हैं उनके अगेंस्ट पक्का एक्शन होना चाहिए पार्टी है बड़ी है नेशनल पार्टी है उनको ना अपोलोजाइज करना चाहिए पार्टी को पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको एक इंसान के तौर पे मेरे ख्याल से दोबारा से जागेश्वर महादेव में जाकर के और सबको सॉरी बोलना चाहिए दूसरा है देवस्थानम बोर्ड जी चार धाम हमारे यहाँ पे क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मंदिरों से देवी देवताओं से हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज रुझान रहता है इंडियन आर्मी की जो फेमस पलटने हैं उनमें से उत्तराखंड से दो पलटने आती हैं एक है गढ़वाल राइफल एक है कुमाऊ रेजिमेंट बाकी और पलटनों में भी जाते हैं उत्तराखंड के लोग इन पलटनों में जब आखिरी 200 मीटर बच जाते हैं दुश्मन में अटैक करने के लिए तो तब ना 200 मीटर दूर से जब गोली चल रही होती है और आपको पता है कि जब गोली चलेगी तो तीन में से एक आदमी बचेगा दो मरेंगे फिर भी जब सिपाही आगे बढ़ रहा है तो कुमाऊँ रेजिमेंट में पता है क्या बोलते हैं काली का माता की और अंदर घुसते जय करके लास्ट के आखिरी 200 मीटर गढ़वाल वाले क्या बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय और उसमें घुसते हैं अंदर हमारे यहाँ पे इन स्थानों में जो देवी देवता बसे हुए हैं उनके साथ आज का नहीं उनके साथ बहुत पुराना नाता इंसान और देवताओं का है अब जैसे मैं बोलूँगा तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर यमुनोत्री गंगोत्री सब किस टाइम के पुराने मंदिर हैं जहाँ पे कि तीर्थ पुरोहित पूजा कराते हैं और जो भगत आते हैं भक्तों को भक्तों की भावना को भगवान तक ले जाने का एक बीच का जरिया बनते हैं अच्छे विचार से अब पहले क्या होता था सड़कें होती नहीं थी आज से सौ साल पहले लेकिन लोग तो आते थे दुनिया से यहाँ पे दर्शन करने के लिए जब लोग आते थे तो ऐसे ही समझने के लिए अगर मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँ मान लो हरिद्वार है अब हरिद्वार से चलने शुरू हुए कोई बीच में आ रहने की व्यवस्था नहीं है ना कोई सड़क है छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके ऊपर पुल नहीं है कोई बीमार हो गया तो हकीम डॉक्टर कोई नहीं है तो तीर्थ पुरोहित क्या करते थे ये अपने स्थान से अपने गांवों से हरिद्वार जाते थे साथ में राशन लेके जाते थे साथ में कुछ कपड़े लेके जाते थे कुछ जूते खड़ाओ एक्स्ट्रा वो ले के जाते थे मतलब वो सुविधाएँ जो हरिद्वार से लेकर के तीर्थ पुरोहित अपने जजमान को मंदिरों तक वापस दस दस बारह बारह दिनों में लेकर के जो आते थे बीच में उन जगहों का नाम रखते थे चट्टियाँ फलानी चट्टी में रुकेंगे अगली चट्टी में रुकेंगे तीर्थ पुरोहित और जजमानों का इस तरीके का रिलेशन था कि तीर्थ पुरोहित नीचे से पूरा ऊपर तक अपने जवान की देखभाल कर रहा है सेवा कर रहा है और फिर ऊपर तक ले आ रहा है आज भी अगर आप जाओ तो थोड़ी सी प्रथा बदली हो गई है क्योंकि अब गाड़ियाँ आ जाती हैं लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने जो घर बना रखे हैं मंदिरों के पास में वो अपनी सुविधा के लिए नहीं बना रखे वो अपने जजमानों की सुविधा के लिए बना रखे हैं छोटे कमरे छोटा बाथरूम खाने की व्यवस्था और तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों से जब वो ऊपर आते हैं तो दक्षिणा नहीं लेते जब जजमान वापस चले जाता है तब तीर्थ पुरोहित जब कपाट बंद हो जाते हैं हमारे यहाँ है ना स्थान सब विंटर में बंद हो जाते हैं डोलियाँ नीचे आ जाती हैं तब तीर्थ पुरोहित भ्रमण करते हुए जाते हैं पूरे देश में अपने जजमानों के पास और वहाँ से तब दक्षिणा लेके आते हैं तो देखो कितनी बढ़िया प्रोसेस है ये अगर इतनी अच्छी प्रोसेस है इसके पीछे धर्म जुड़ा हुआ है इसके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चार मंदिर जो बड़े हैं वैसे तो देवस्थानम में तो और भी मंदिर आ रहे हैं पर यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इन चारों की अलग अलग ज़रूरतें हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ इसकी एक पहले कमेटी होती थी उसका नाम था बी बद्री केदार टेम्पल कमेटी उसके साथ और भी मंदिर होते थे गंगोत्री का सेपरेट था यमुनोत्री का सेपरेट था पहले कमिटियाँ होती थी क्योंकि बद्रीनाथ में जो पूजा कराते हैं वो पंडित होते हैं डिमरी खानदान ऐसे केदारनाथ में पंडे होते हैं तीर्थ पुरोहित होते हैं अलग अलग तरीके के ये जो गंगोत्री है गंगोत्री में सेमवाल होते हैं ऐसे यमुनोत्री में पुनियाल होते हैं सबके सिस्टम अलग हैं अगर आप वो चार सिस्टम गहराई में समझे बगैर देवस्थानम बोर्ड बनाओगे तो कैसे वो देवस्थानम बोर्ड सही हो सकता है उनको बोर्ड की जो बात थी तीर्थ तुरितों से बोलते हैं कि आप बताओ मंदिर की सुविधा के लिए मंदिर की फंक्शनिंग के लिए और जो यात्री आते हैं और जो आप यहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं उन सबको और बेहतर बनाने के लिए क्या तरीका करना चाहिए मेरे ख्याल से तीर्थुरु जो सुझाव देते वो सबसे बढ़िया एक मॉडल बनता आज देवस्थानम बोर्ड ऐसा हो गया है इंसान जो है ना मतलब जब भगवान के उसमें भी गवर्नमेंट ने एंट्री करके और चीज़ों को रोकने की कोशिश करी जब देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ गवर्नमेंट ने यात्रियों का तीर्थ अपना जो ज, भावना से जो जा रहे हैं उनका मूवमेंट रोक दिया है इस कारण से कि कोर्ट ने तो बोला कि आप लोग चारधाम यात्रा शुरू करा सकते हो लेकिन कोई नियम होने चाहिए कोई तरतीब होनी चाहिए कुंभ में तुमने तरतीब नहीं दिखाई इतने सारे लोग मारे गए तो तरतीब बनाओ और शुरू कराओ गवर्नमेंट आज तक ना वो तरतीब ही नहीं बना पाई और वो तरतीब नहीं बन पाई तो ना वो ये अपना जो चार धाम यात्रा है हो पा रही है और ना तीर्थ पुरोहित बेचारे इतना रोष दिखा रहे हैं उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल सेम केस हो गया है एक तरीके से कि दिल्ली में पंजाब से आए हुए जो किसान है एक साल होने वाला है कोई नहीं सुन रहा उनको वैसे यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ पुरोहितों का वो वाला रिलेशन बना दिया है तो कैसे ये सिस्टम अच्छा माना जा सकता है इसमें तो हम सबको ना कहीं ना कहीं क्योंकि पढ़े लिखे हैं समझदार हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ नहीं वी सपोर्ट देवस्थानम बोर्ड अगेंस्ट तीर्थ पुरोहितों की जो भाषा है जो रिक्वायरमेंट है हम ये जो जागेश्वर मंदिर जागेश्वर मंदिर इंसल्ट नॉट एक्सेप्टेबल जब हम जागरूक होंगे तो क्यों नहीं गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की सुनवाई अच्छे तरीके से होगी अगला सवाल है आयुषी पुरी जी का आयुषी नमस्कार सर मैं आयुषी पुरी और पहले तो मैं आपका श्रीनगर गढ़वाल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कुछ समय पहले दिल्ली में काफ़ी दंगे हुए थे तो दिल्ली दंगों में हमारे उत्तराखंड गढ़वाल के पौड़ी गढ़वाल के एक बेटे दिलबर सिंह नेगी की हत्या कर दी गई थी उनके हाथ पैर काट कर उनको जला दिया गया था तो इसका आरोप आपकी सरकार आम आदमी पार्टी पर जाता है कि आपकी सरकार के जो लोग थे वो उन्हें बचाने में असमर्थ रहे तो हमारे देश के अगर ए, इस समय हमारे देश के एक युवा का अगर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए अगर आप हमारे देश के एक युवा को बचाने में असमर्थ हैं तो आप इतने सारे युवाओं की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं तो मेरा प्रश्न आपसे यही है धन्यवाद आपका फेसबुक अकाउंट है फेसबुक अकाउंट है नहीं सर व्हाट्सएप यस सर ओके अगर व्हाट्सएप है मोबाइल में तो मोबाइल में एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं गूगल सर्च इंजन ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन ये सवाल एक्चुअली अच्छा है मेरे को ही जवाब देना चाहिए इसका क्योंकि मेरे को लगता है सबसे बढ़िया मैं ही जवाब दे सकता हूँ आज क्या हो गया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो तेज़ी से बढ़ रही है उसके दो पहलू हैं एक है अच्छाई के लिए बढ़ रही है एक है कहीं ना कहीं ना बुराई के लिए बढ़ रही है अब बुराई क्या हो गई है कि एक इंसान को अगर तरतीब उसके पीछे पड़ा जाए सोशल मीडिया में ऐसी गॉसिप करते हुए बीच में किसी को बोल करके और अफवाहें बढ़ा करके तो धीरे धीरे क्या होता है वो इंसान ना मतलब उसे बंदर बना देंगे आखिरी में बोला जाएगा ये इंसान नहीं है बंदर है और सब बोलेंगे हाँ बंदर है चाहे वो दिख रहा होगा इंसान अब क्या हुआ ये ना राष्ट्रवाद और जो आ, ये होते हैं सांप्रदायिकता ये बड़े टची इशू हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती लेकिन हम यूथ हम जज्बे वाले लोग हम सुनी हुई बात को एकदम से ले चलते हैं उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए टेंप्रेरी काम करने के लिए जैसे आजकल इतने सारे लोग वापस आ रखे हैं कोरोना की वजह से और घर में बेरोजगार बैठे हैं है ना ऐसा इस तरीके से तो क्या वा दिल भरने की अब मेरे को इस केस के बारे में इसलिए पता है क्योंकि जब कहीं मैं बर्मा में था उस टाइम पे यह है फरवरी 2020 की बात और कहीं ना कहीं जब ये इशू बढ़नी शुरू हुई जो मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा तो मैं भी नेट में देखता था वहाँ पे इंडियन अखबार नहीं आते थे तो उस टाइम क्या हुआ जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है सी है ना सी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक जगह जिसे बोलते हैं शहीन बाग वहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं बैठी शांत तरीके से वो अपना आंदोलन कर रही थी लेकिन कई दिनों तक जब आंदोलन चलता है तो फिर चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो वो ना आंदोलन को तोड़ने का कोई तरतीब बनाने की कोशिश करती हैं अब तरतीब क्या बनाई गई कि कपिल मिश्रा जी जो कि बीजेपी के एक नेता हैं और आ, बजरंग दल या इस तरीके के किसी पार्टी के मतलब दबंग स्पीच देने वाले भी माने जाते हैं तो कपिल मिश्रा जी ने कहीं बोल बोल के बोल बोल के ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो गए सांप्रदायिक दंगे कौन से थे हिंदू और मुस्लिम जब दंगे होए तो दोनों से लोग मारे गए ऑफकोर्स मुस्लिम ज़्यादा मारे गए तो दिलवर नेगी उस टाइम पे यहीं पाबो पैठानी उसके आगे थली सैंड वहाँ का रहने वाला दिलबर और उसका भाई वो दिल्ली में जा रखे थे दुकान में नौकरी करने दिलबर का भाई था गाजियाबाद में वो बाटा में था दिलबर था एक मिठाई की दुकान में अब वो जो मिठाई की दुकान थी जिस एरिया में शहीन बाग में जब दंगे शुरू हुए और उसका असर आया तो जिस इलाके में दिलबर नौकरी करने गया था वहाँ पर भी असर आया जब असर आया तो बाद में पता चला दिलबर नेगी की डेथ हो गई है जल के मारा है वो अब एकदम से किस चीज़ पे शक करा गया जिस जगह पे वो दुकान थी वहाँ का पार्षद था तार हुसैन ताहिर हुसैन था आम आदमी पार्टी का जैसे ही आम आदमी पार्टी को पता चला उन्होंने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया ताहिर हुसैन आज भी जेल में है उसके खिलाफ़ मेरे ख्याल से नौ दस केस हैं ये तो एक केस है बाकी है कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ निकले हैं उसके अब मैं दूसरी इसी से संबंधित ना दूसरी बात बताता हूँ दिल्ली में अगर दंगे होंगे या किसी भी जगह दंगे होंगे तो कौन सा महकमा होता है सरकार का जो सबसे पहले आता है और दंगों को रोकने की कोशिश करता है कौन सा महकमा होता है पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह जी के अंडर में अब क्या जरा सुनना इसमें ताली उसके बाद क्योंकि इसमें ना बाकी में समझ में आएगा इशू अब क्या हुआ दिल्ली पुलिस तो आ, एक्टिव नहीं हुई पार्षद था आम आदमी पार्टी का शक हो गया लेकिन पार्षद से ऊपर जो होता है जिसे बोलते हैं विधायक एम वो किसी को नहीं पता कौन था और किस पार्टी का था विधायक जो वहाँ का था उसका नाम है मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड का और वो था भारतीय जनता पार्टी का तो मोहन सिंह बिष्ट जी पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला जिसके कंट्रोल में दिल्ली की गवर्नमेंट वो अपना पुलिस भी थी इसके पीछे पड़ गया ताहिर हुसैन के बिल्कुल ठीक है उसके पीछे पड़ना चाहिए लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को क्योंकि ट्रोलिंग एजेंसी क्योंकि आईटी सेल बुरी तरह से हिट करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने सब गायब करके सीधा इशू बना दिया आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन अब ये देखो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एमएलए उत्तराखंड का एम बीजेपी का उसको भाई कहीं कोई सवाल नहीं आए और ना मेरे को पक्का यकीन है किसी को यहाँ पता भी होगी ये बात शायद एक आधे को पता होगी नहीं तो हकीकत तो नहीं होगी अब उसके बाद क्या हुआ अभी ख़त्म नहीं हुई बात यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कपिल मिश्रा जी जो हैं उनका बैकग्राउंड बताता हूँ वो एक बार विधायक रहे हैं वहाँ पर दो बार लड़े एक बार विधायक एक बार हारे जब वह विधायक थे तो वो आम आदमी पार्टी के मेम्बर थे तब विधायक बने और जब आम आदमी पार्टी से लड़ाई हुई उनकी निकाल दिया गया और दोबारा बीजेपी में जा के लड़े तो ना वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े और वो हार गए ये हो गई कपिल मिश्रा की कहानी लेकिन अब दिलबर नेगी के इशू को और बढ़ाना था तो कपिल मिश्रा जी ने क्या करा उन्होंने कहा मैं तीन लाख रुपए दूंगा इसके घर को दे भी दिए हमारे मिनिस्टर हैं गणेश जोशी जी उनकी लड़की है नेहा जोशी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है डायनामिक है एंटरप्राइजिंग है अभी वो ए वी वी पी की कुछ मतलब सेंटर में कुछ अपॉइंटमेंट भी मिला है उसको मैं उससे जब भी मिलता हूँ मेरे को भी बड़ी अच्छी लगती है किस मोटिवेशन के साथ में वो फ्यूचर में आगे बढ़ रही है नेहा जोशी ने भी कहीं से इकट्ठे करके दिलवर के परिवार को एक लाख रुपये दिए दिलवर उत्तराखंड का रहने वाला था तो सरकार का भी जिम्मेवारी बनती थी उत्तराखंड सरकार ने भी पाँच लाख रुपये दिए तो टोटल हो गए नौ लाख दिलवर के परिवार को देने के लिए उत, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने क्या दिया आम आदमी पार्टी ने दस लाख रुपए दिए अब ठीक है इसको भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स थी आम आदमी पार्टी ने सोचा कि जितना भी ये दें उससे ज्यादा दे, दे देते हैं जैसे दिलबर नेगी जल करके मरा क्योंकि मैं फौज से हूं और फौज में जब पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तानी आतंकवादी आते हैं तो उनसे ना हमें तोड़ना पड़ता है उनको क्योंकि खबर निकालनी है और वो आतंकवादी है तो इसको ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं बोलते लेकिन उनको जब टॉर्चर करा जाता है तो दो तरीके का टॉर्चर होता है तोड़ने के लिए जलाना और पानी में डूबाना दोनों में आदमी को तकलीफ होती है अब अगर जलना और पानी में डूब के मरना एक बराबर की तकलीफ है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ अब दिलवर नेगी मारा गया 26 फरवरी 2020 को क्यों मेरे को 26 फरवरी याद है क्योंकि 26 फरवरी 2020 को दिलवर नेगी मारा गया 26 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक करी थी और 26 फरवरी 1969 को जो आपके सामने बैठा है कर्नल अजय कोठियाल वो पैदा हुआ था तो मेरे को 26 फरवरी की डेट इसलिए याद है 26 फरवरी को जब दिलवर नेगी की हत्या हो गई आग से जल के उसके कोई चार महीने के बाद में दिल्ली में एक जगह है मिंटो ब्रिज रेल का ब्रिज है उसके नीचे से गाड़ियाँ जाती हैं क्योंकि गाड़ियाँ ऐसे करके बना हुआ है तो बारिश में ना कभी पानी भर जाता है वहाँ पर अब पानी भरा हुआ था तो एक आ रहा टेम्पो वाला टेम्पो वाले को नहीं पता कितना गहरा है पानी वो अंदर घुस गया पानी था बहुत ज़्यादा कट पेस करके ऐसा इसको वह बना दिया गया है कि दिल भर के है आम आदमी पार्टी अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए आप अपने टाइम पे घर पर नेट खोलिए नेट पे जाइए दिलवर नेगी किल्ड आपको ना दिलवर नेगी से कनेक्टेड कहीं कपिल मिश्रा की न्यूज़ आएगी कहीं आपको बाग की न्यूज़ आएगी कहीं आपको आएगी किस किस ने पैसे दिए कहीं आएगी दिलवर का भाई कहाँ पे काम